और ये अगर टारगेट के इतने से छोटे से टारगेट के ऊपर अगर 20 मीटर में ये हिट हो रही है, इसका मतलब ये चीज़ भाई कामयाब है। और मैं इस चीज़ को जो मेरे दिमाग में बहुत शक था कि हम बोलते हैं 3 से 4 जूल की राइफल ये रिवॉल्वर या पिस्टल है, हिट करेगी कि नहीं करेगी, अब ये वाकई में 20 मीटर पे तो भाई टारगेट पे हिट कर रही है। वेबली का जो ये रिवॉल्वर है, इसके अंदर हम हर वक्त बोलते हैं कि इसकी रेंज बहुत 40-50 मीटर है, तो देखें भाई इतनी रोज जाती भी है पैलेट के नहीं। ठीक है, तो अभी हम 10 मीटर पे खड़े हैं, एक बार यहाँ टेस्ट करते हैं, 2 पैलेट्स यहाँ से शॉट करूँगा मैं। हम इसको थोड़ा मैं सेफ्टी पे ले जा रहा हूँ, सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखना है, सेफ्टी में करके अभी इसको हम पीछे लेके जाते हैं, इससे डबल डिस्टेंस में 20 मीटर में देखते हैं पहुँचती कि नहीं पहुँचती पैलेट। अभी हम डिस्टेंस में हमने बढ़ा लिया है, तो अभी हमारे को अभिनव बताएगा वहाँ से उसकी पहुँची कि नहीं। सेफ्टी मैंने वापस कर ली और अभी देखते हैं ये हिट होता है जाता है कि नहीं। आवाज़ तो आई, अभी लगी है क्या? चलो, इसका मतलब 20 मीटर तक तो जा रही है और अभी 2 पैलेट्स हो रहे हैं हमारे पास में, और शॉट मार लेते हैं। ये अभी देखेंगे भाई जो वेबले हैं अभी वहाँ हिट हुई कि नहीं, आज चेक करते हैं और इसके बाद में देखेंगे कि वाकई में इतनी डिस्टेंस इसकी जो है वो रेंज है कि नहीं। 20 मीटर पे टेस्ट किया, अगली बार हम 30 40 50 पे भी करेंगे। एज यू कैन सी बहुत जी सर लग रही है, बट नीचे लगी है, आराम से जा रही है 20 मीटर। क्या बात है, ये 20 मीटर वाले हैं और ये 10 मीटर वाले हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा इसमें, खासकर मैंने ऐसे नॉर्मल फायर किया है, तो अगर ये हिट हो गई है इसका मतलब ये कामयाब है वाकई, ये 20 मीटर के ऊपर में बढ़िया तरीके से हिट हुई है। और ये अगर टारगेट के इतने से छोटे से टारगेट के ऊपर अगर 20 मीटर में ये हिट हो रही है, इसका मतलब ये चीज़ भाई कामयाब है। और मैं इस चीज़ को जो मेरे दिमाग में बहुत शक था कि हम बोलते हैं 3 से 4 जूल की राइफल ये रिवॉल्वर या पिस्टल है, हिट करेगी कि नहीं करेगी, अब ये वाकई में 20 मीटर पे तो भाई टारगेट पे हिट कर रही है, और उसके ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हम फिर अगली बार चेक करेंगे। थैंक यू।